अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परवीन फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने जमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और हम लोग जा रहे हैं ज्यारतों पे, और इन्होंने हमारे साथ थोड़ा सा प्रैंक कर लिया था। हमें 7:30 बजे उठा कर नीचे बुला लिया। हम लोग आ गए, और जब क्योंकि इनकी ये अपनी गाड़ी पर नहीं लेके गए, इन्होंने ना आगे बुकिंग की हुई थी। तो यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा खेल रहे थे, और जब इन्होंने कहा जी गाड़ी आ गई, आप लोग बाहर जाएं, जब हम बाहर जा रहे थे तो गाड़ी वाले ने कहा जी मेरे पास स्पेस सिर्फ 3 लोगों की है, तो आप लोग 5 लोग हैं, 3 लोग और थे, 2 लोग और थे, तो हमारे पास सिर्फ 5 लोग के स्पेस है। तो हम लोग थोड़े से हो गए, पर परेशान नहीं होना चाहिए इंसान को ना। हम लोगों ने साथ ही, हम लोगों ने कहा कोई बात नहीं, हम लोग ना यहाँ से अपनी गाड़ी करवा लेते हैं। तो उन्होंने कहा चलें ठीक है, और फिर हम लोगों ने अपनी गाड़ी करवाई। और मामा, मुझे लगता है कि हम लोगों ने ये बेस्ट फैसला किया है, है ना? क्योंकि इधर थे तकरीबन 40 से 45 लोग थे, और उस हिसाब से नहीं दिखा रहे थे, और कह रहे थे ये जो ज्यारते थी ना, ये आधे घंटे घंटे में फ्री कर देते हैं इंसान को। और वो जो भाई थे, अंकल थे, वो बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने हमें तकरीबन 3-4 घंटे लगाए हैं ज्यारतों पे, और उन्होंने ख़ुद हमें नीचे उतार उतार के कहा है कि आप लोग तस्वीरें बनाएं, इंसान की ये एक यादगार होती है, और यहाँ पे आप आएँ, और पूरी हिस्ट्री उन्होंने बताई है। तो यहाँ पे हम लोग खड़े हुए थे, और वो हमारी खुशकिस्मती कि हमें वो अंकल मिल गए। तो आगे आप भी उनकी बातें सुनिएगा। उनको तकरीबन यहाँ पे 35 साल हो गए हैं, पर हैं पाकिस्तानी, पर उनकी बोली से आपको नहीं लगेगा कि वो पाकिस्तानी। आपको नफर करना हो तो करो, शीशे साफ नहीं बंदा, क्योंकि जो लोग मस्जिद निमरा में दूर रखकर नफर पढ़ लेते हैं, फिर वो वहाँ नहीं पढ़ते हैं। जो मस्जिद निमरा में नहीं पढ़ते, वो वहाँ पढ़ते हैं मस्जिद अल हराम में। मशार अल हराम, मशार अल हराम अलग चीज है, मस्जिद अल हराम अलग चीज। ना ना, 11, 12 बच्चे हैं। अरफात में ब्रश होगा तो थोड़ा सा तेल लगेगा, बंगाली की तरह होना पड़ेगा भाई। बंगाली जब इससे जबड़ लगाता है ना, खत्म करके छोड़ता है। हसीना को कैसा कैसा क्या देगा, देखो इन लोगों के क्या हुआ, इतना बड़ा फसाद हो कर तेरे सीट खत्म होगी। मगर उनके करेंसी में कुछ फर्क नहीं पड़ा, उनके इकतेसाद में कुछ फर्क नहीं पड़ा। पुलिस ड्यूटी छोड़ दी, लोगों ने ड्यूटी लगाया, कुर्बानी दी। देखो बंगाली जब चीज, हम बंगाली पर हंसते हैं, मगर ये जब चीज़ों बर्दाश्त कर लेते हैं जुल्म, जब निकल जाते हैं ना, बस वो जैसे हमारी हमारा जो पठान था, मोहम्मद की तरह मोहम्मद तो तुम्हारे सामने निकल गया, अभी तुम्हारे सामने निकल गया। फिर यहाँ आकर पना लिया है, अच्छे बारह। और एक बात, अबू जब जुहर के टाइम में था, प्रोफेसर हजरत अबू के सिद्दीक के पास गया है, जब देखते बहुत दोपहर टाइम गर्मी, और ये रबसाना सलमा सुआद बिन तो सलमा अंसारी है, सहाबी की है, नाम कैसा है, हाँ। पर क्या हुआ, प्रोफेसर सलम यहाँ पे वेट किया था, वो गारू तक ऊपर है, वो नहीं हवाई ना हो, और जिंदगी भी याद रहेगा इंशाल्लाह। हम कितना मिनट, 15 मिनट यहाँ से एंजॉय करो। अभी इधर आते जाते थोड़े छोटे, अब आ जाइए, ठहर अभी पानी देते हैं क्योंकि मैंने वो बंद किया ना पर जी।
ये तो देखो वीडियो जोड़ा ना कर वाला था ना जबले सोर यहाँ पे जिसकी वजह से हजरत अबू बकर सिद्दीक को गारे यार के चलें जी ये देख लें आप सुन लें कौन सी जगह है ये परी हटो जरा पापा की पिक्चर ऐसे पूरी ना ए तो सुलाया है अपने पास उन्हें इसीलिए तो सुलाया है अपने पास उन्हें कि यार गार का रुतबा हुजूर जानते हैं कि यार गार का रुतबा हुजूर जानते हैं जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं सुभान अल्लाह। और कब जाना है मदीना आपने? हमारा कल का स्टे होगा फिर मदीने के बाद देखेंगे। 24 नहीं नहीं 24 को 24 को मदीना जाएंगे। मदीना हफ्ते वाले रोज चलिए आप हो आए मदीने। हां हमारे 25 को बस अच्छा वापसी है। वापसी इंशाल्लाह नहीं हमारी टीम को वापसी है। आपकी किस दिन की? नहीं नहीं हमारी 15 को 20 को 20 को हम 20 को जो सफर विरार को है वो बोलते हैं वो लोग अपने साथ तर्जमान रखते हैं। अच्छा लेकिन लेकिन इतने करीब नहीं बताते तफसील भी नहीं बताते। वो आपको जहाँ गाड़ी में बैठा लेगा ना आपको वादी चिन के बोलकर पैसा ले लेता है बस। वादी चिन की क्या हकीकत में बताता हूँ उधर मत जाना बस हजार को लेंगे गवर्नमेंट यहाँ पे क्या हमें लगते हैं ना। हाँ यहाँ पे तो अरफात में रात गुजारनी होती है मैदान अरफात नहीं दिन दिन पूरा अरफात के टाइम फजर के नमाज से बाद निकल मगरिब तक उससे पहले निकल जाना होता है मगरिब के बाद निकलना पड़ेगा। सूरज न डूबने से पहले कोई निकलेगा तो उसका हज हज खलास खत्म बर्बाद हो गया। सूरज डूबने से पहले यानी कि मगरिब पढ़ के निकल जाना यहाँ से। लेकिन अल्लाह के शुक्र सब कुछ अच्छा अच्छा था। सऊदी एयरलाइन की सबसे अच्छी एयरलाइन थी। परी हाथ पकड़ दस रिया حجر الاسود روضة كسوة كعبة قرية بنجريان بنجريان كبير 10 ريال كم هذه 10 ريال هذا 5 ريال 5 ريال यहां पे हम लोग मैदान अरफात आ गए हुए हैं जबल रहमत। तो यहां पे भी बहुत ज्यादा गर्मी थी और हमारे साथ ही प्रैंक ये हो गया। मस्जिद निबरा के सामने खड़े हैं मैदान अरफात में। तो ये सिर्फ वहाँ पे नहीं हज के दौरान एक या दो दिन के लिए खुलती है तब यहाँ पे लोग अंदर दफन करते हैं नमाज अदा करते हैं। तो अभी तो चूँकि हज का टाइम नहीं इसलिए बंद है तो हम इधर मस्जिद के दरवाजे के बाहर ही नफल अदा करेंगे इंशाल्लाह शुक्राने का। मामा दो चूड़ियाँ चेयर पकड़ो मैंने कहा यहाँ हम लोगों ने मस्जिद निमरा में दो नफल अदा किए हैं। वैसे तो ये खुलता नहीं है जब हज के दिन होते ना तो तब ये खुलता है तो इसलिए फिर जो लोग उमरा करने आते ना तो वो यहीं फिर दो नफल अदा करते तो हमने भी ऐसा ही किया। और सारिम के आप धोड़े देखें सारिम सारिम
हाँ जी, तब भी सिर्फ दो तीन दिन उन्होंने कहा खुलती है। हाँ जी, ये देखें माशाल्लाह, ये देखिए जी, ये भाभी है, ये जी अबीरा, तो आप अबीरा को भी देख ले, माड़ा सा देख। चलते हैं बहुत अरमान सीने में, आ मेरी नाच सुने। काबा की गली देखी न पहुंची मैं मदीने में। ये हमारे उस वक्त के जज्बात है जब हम इधर नहीं थे, पाकिस्तान में थे जी। अलग जज्बात है, अशरफ की आवाज भी माशाल्लाह बहुत। भला ये कैसे मुमकिन है मोहब्बत के करीने में, भला ये कैसे मुमकिन है मोहब्बत के करीने में, के परवाना यहाँ तड़पे जले शम्मा मदीने में। न काबा की गली देखी न पहुँची मैं मदीने में। थोड़ा ये देख लीजिए, ये वादी उराना है, वादी उराना, यहाँ से वो सैलाब जाते हैं। जब अब्रहा बादशाह हाथी के साथ आए थे ना, यहाँ से गुजर से, पीछे यमन है, पीछे यमन है। अच्छा, यमन यहाँ से गुजर से काबा को टूटने के लिए। हाँ जी, ये वादी वही है, वादी उराना। अभी हम जा रहे हैं, अभी जिस रास्ते से हम जा रहे हैं पैदल रास्ता हज करने वालों के लिए, जो पैदल हज करते हैं ना, इस रास्ते से जाते हैं। शरीफ के बाद इसके पीछे हदा के ताइफ के पहाड़ बस दिखाई नहीं दे रहे, वजह ये मस्जिद है निमरा। अच्छा, दे ले मस्जिद निमरा बोला ना। हाँ जी, मस्जिद निमरा, कसम दे सब जा सब पढ़ के। नहीं कह रहे, नहीं कोई और नाम बोला, नहीं मस्जिद निमरा। पापा इधर से बस से जाते, ये नाला तस्वीर लिया। यहाँ तकरीबन 1200 साल तक लोगों ने पानी पिया। ये देखिए आप पड़ी हुई है, जगह बनी हुई है, बारिश नहीं हुई, जो आखिरी है ना, ये वी लिखा है। जब वीडियो बनानी है तो इसको, तो अगर से तस्वीर लेनी है ना, तो इसको दबा के फिर ये पहाड़ ना, वहाँ चश्मे थे, मुझे लगता है इधर नाला बनाओ। हाँ, मैंने कह रहा तस्वीरें लिया, मैं अपने पोतों की तस्वीरें। हमारा ज्यादा इस्लाम के लिए कुर्बानी ज्यादा है, हमारा हमारी कौम की, वो बतरा हमारी कौम की, इसमें लोग लगे थे, फिर अल्लाह की तरफ से वही आई कि फ़ज़कुर अल्लाह عند المشعر الحرام, कि मोहम्मद इनको बता दो कि यहाँ पे अल्लाह का जिक्र ज़्यादा क्या करें, ये बात छोड़ दें। किसका ज़्यादा कुर्बान? हाँ, ये बात छोड़ दो, जो जितना किया वो अल्लाह से लेना है, या तुम लोग सिर्फ जिक्र करो, ये वो मैदान है यहाँ पे। सब सहाबा, ये पूरा सहाबा यहाँ बैठे थे, तकरीबन 1,00,000 तक यानी अंदाज़ा है। यहाँ कुछ काम हो रहा था जबरदस्त, मैंने सुना यहाँ तक ये लगाया, बड़ा प्रोजेक्ट बना रहा। ये जो साहबा किराम के जो घर थे वो कहाँ पे? किधर है? अभी जा रहे हैं हम मिला के तरफ। अच्छा, हज मुयसर। मैं आपको इस तरीके से मेरा ज़ियारत कैसे पता है, जैसे लोग हज करते हैं ना, उसी तरीके एक 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 बहुत क्या था।
ये गुंबद देख रहे हो ऊपर, वो देख रहे हो पहाड़ के ऊपर, वहाँ पे लेटा है छोटा सा वाला वो पहले यहाँ से कुर्बानी रची हुई है वो सामने वो छोटी सी बिल्डिंग छोटी वो ऊपर पहाड़ के वो गूगल में आ जाए मगर आप यहाँ से ना बरेल के सरिये भी जा सकते हैं जो पैदल जाते हैं उनके लिए बहुत मशक्कत पड़ता है ये है मस्जिद अल खैर ये भी बंद है ये सिर्फ हज के दौरान खुलेगी अभी जा रहे हैं असली हालत में एक बार यहाँ देखा दूसरी साइड ये घंटा लगता है दो घंटे ये घंटा लगता ऐसा जाओ आखिर में तो बहुत सा वो तो अबू लहब की बीवी वो तो यहाँ थी उसी था ना कबीला का चाचा करीब रहता था वो जमीन लेकर उधर कोड़ा फेंकती थी वो कहाँ गई उधर कब गई उधर ये लोगों ने बनाया ये अब तो साबित हो गया तारीख के नुक्स है हर हर फिरके ने इससे जो ना वो इस जो रिवायत से जो ना उनका ये बरात कर दिया गया जुलाने बरात मिल जाएगी झूठी रिवायत का अगर एक कोई गुड़िया मजदूर पे कूड़ा फेंक रही और साहबा का और रसूल सलाम और रोका कितना दिन बैत कहते हैं यहाँ पे जिन लोग आकर रसूल सलाम सलाम को बैत कहते हैं इस्लाम पर और इसका तारीख इधर लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे बैत किया तो जिन्नों यहाँ पे जिन्नों ने बताया हम अहद पर हैं अहद पर रहेंगे ये वो जगह है ना इधर आपको गुम्बद मिलेगा ना चादर चढ़ाया मिलेगा ना यहाँ पे संगम मिलेगा सादा सीधा उस दौर में जन्नत और इसके सामने मस्जिद उल फतह वो है वो मस्जिद उल फतह है जब इस मक्का फतह हुआ था ना इस्लामी बेरक वहाँ रखा था वहाँ मरकज था फतह होने के बाद कि हमने मक्का फतह कर लिया मस्जिद उल शजर इसलिए कहा जाता है यहाँ एक दरख्त बड़ा दरख्त बाकी बताऊँगा मैं यहाँ से जनात माना दिखा देता हूँ ये बम्बई सारे कमरे जो पत्थर पड़े ना ये कमरे हैं एक पत्थर एक बंदे की कब्र है बाद में अंदाजा करके एक बंदे से ऐसा करके करके रखा है स्पेशल ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਹਾਂ ਹਾਂ ਫਰੀ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਫਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਸਕੋ और जी उम्मीद करते हैं कि आपको हमें हमारा ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा आपको ज़्यादा बहुत पसंद आए होंगे तो इसी तरह आप हमारे साथ बने रहें हम अच्छे अच्छे व्लॉग आप लोग के साथ शेयर करेंगे तो अल्लाह हाफिज़